अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज हम बनाएंगे एक चाइनीज़ रेसिपी जो बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद होती है, चिकन हक्का नूडल्स। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैकेट नूडल्स को बॉईल करके ले लिए। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने एक चम्मच तेल ऐड किए। उसके बाद दो अंडे को फेंट के उसमें हम डाल देंगे। अब उसमें डालेंगे हम नमक और वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिरी पाउडर भी डाल सकते हो। अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसे पैन में ही हम टुकड़े कर लेंगे। अभी अंडे को हम साइड में एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी वही पैन में हमने 3 चम्मच तेल ऐड किए। तेल जब गर्म हो जाए उसमें हम 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे कट करके भी डाल सकते हो। अब उसमें हम हमारी वेजिटेबल जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। हमने इसे लंबा लंबा कट किया है। हमने आधी शिमला मिर्ची, थोड़ा सा कैबेज और थोड़ा सा गाजर कट करके डाल दिया है। अभी इसे हमें 1 सेकेंड के लिए भून लेना है। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। जब 1 सेकेंड हो जाए तो उसमें हमने जो अंडे फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर ले। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें हमने चिकन बॉईल करके रखा था उसे श्रेड करके वो ऐड कर देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें हमने ऐड किए 1 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अब उसमें 1/2 चम्मच वाइट पेपर पाउडर डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। नमक हम कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि सॉस में नमक रहता है। अब उसमें हमने यूज़ किए चिंग्स का चाउमीन मसाला। ये हम 1/2 पैकेट उसमें डाल देंगे। अभी सब चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम डाल देंगे हमारे बॉइल नूडल्स। अब नूडल्स को हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। जब नूडल्स हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हम सर्व कर सकते हैं। इसमें हमने हरा धनिया कट करके डाल दिए। आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। हमारे चाइनीज़ हक्का नूडल्स रेडी है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।